हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, एंड मेल गेमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, मेल गेम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस कंप्लीट हो गया, एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो गया। एंड देन अपना चल रहा है जनन की कार्य की रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी इन, या डायरेक्ट बोले फिजियोलॉजी इन रिप्रोडक्शन, जिसमें अपना कल वाले एपिसोड में कंप्लीट हो गया था कि किस प्रकार से कॉपुलेशन हुआ, मैथुन की प्रक्रिया हुई, मैथुन के बाद किस प्रकार से अंडोसर्ग हुआ, अंडोसर्ग के बाद किस प्रकार से में फर्टिलाइजेशन हुआ। कुछ पॉइंट्स है जैसे एक का किस प्रकार से एक्टिवेशन होता है, तो उसके बारे में आगे अपन देखते हैं कि अंडाणु का सक्रियण कैसे होता है। देखते हैं किस प्रकार से एक्टिवेशन होता है। अंडाणु का सक्रियण तब होता है, लिखना, अंडाणु का सक्रियण, अंडाणु का सक्रियण तब होता है जब शुक्राणु का एक्रोसोम अंडाणु से स्पर्श करता है, जब शुक्राणु का एक्रोसोम अंडाणु से स्पर्श करता है, और इस समय अंडाणु पर एक उभारनुमा संरचना बनती है, जिसे निषेचन शंकु, जिसे क्या बोला जाता है, निषेचन शंकु कहते हैं, और बाद में इसी स्थान से निषेचन पथ बनता है, मतलब निषेचन का क्या बनेगा, रास्ता बनेगा, निषेचन पथ बनता है। और इसके अलावा इसके अलावा अंडाणु के रंग में परिवर्तन होता है और अंडाणु का ताप बढ़ता है, अंडाणु का टेम्परेचर बढ़ता है, और ग्लाइकोजन व फॉस्फेट, ग्लाइकोजन व फॉस्फेट की मात्रा
पोस्पेट की मात्रा बढ़ती है, पोस्पेट की मात्रा बढ़ती है और सोडियम आयन व पोटेशियम आयन आयन की पारगम्यता बढ़ती है, की पारगम्यता बढ़ती है तो क्या होगा, जैसे ही शुक्राणु का संलयन होगा, मतलब अंडाणु का जैसे ही सक्रियण होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शुक्राणु किसके संपर्क में आएगा, अंडाणु के कांटेक्ट में आएगा, अंडाणु के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक उभारनुमा संरचना बनेगी जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, निषेचन शंकु बोल रहे हैं। देन क्या होगा, बाद में इसी स्थान से निषेचन पथ बनेगा और इसके अलावा अंडाणु के रंग में परिवर्तन होगा और अंडाणु का ताप बढ़ेगा और ग्लाइकोजन और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी और इसमें सोडियम आयनों की और पोटेशियम आयनों की पारगम्यता भी बढ़ेगी। दो डायग्राम दे रखे हैं, एक तो जिसमें निषेचन पथ का निर्माण दे रखा है कि किस प्रकार से निषेचन पथ बनता है। जैसे अपन ने बोला कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के कांटेक्ट में आता है तो उभारनुमा संरचना बनती है और उभारनुमा संरचना बनने के बाद वहाँ पर एक निषेचन मार्ग का निर्माण होता है, तो वहाँ से ही केंद्र क्या होगा, शुक्राणु वहाँ से एंटर करेगा, शुक्राणु का नर पराग केंद्रक वहाँ से एंटर करेगा, शुक्राणु के नर पराग केंद्रक से पहले समीपस्थ तारक केंद्रक एंटर कर जाएगा और एंटर करके फिर क्या होगा, क्या करता है, समीपस्थ तारक केंद्रक एक तरह से विदलन को प्रेरित करता है, विभाजन को प्रेरित करता है। ये हो जाएगा सबसे बाहरी आवरण कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना पेलुसेडा होता है, फिर पीतक झिल्ली होती है, पीतक झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में परिपीत की अवकाश होता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात ही ये क्या करता है, पित्तकवास पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। देन क्या होगा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये कोर्टिकल रिएक्शन होती है, कोर्टिकल कण पाए जाते हैं, कोर्टिकल कण पा करके फिर ये आपस में कनेक्ट होकर के एक निषेचन झिल्ली का निर्माण करेंगे और ये निषेचन झिल्ली भी पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। तो यहाँ पर निषेचन पथ का निर्माण हुआ और ये जायगोट का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जायगोट के निर्माण और निषेचन पथ का डायग्राम दे रखा है, इसको आप बना लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके बना लेना यार इजीली। अगला पॉइंट आता है समागम। समागम से मतलब है कि किस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में एक दूसरे के निकट पहुंचना क्या कहलाता है, समागम कहलाता है। दिन मीन्स कि शुक्राणु अंडाणु एक दूसरे के समीप आकर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, तो समागम और समागम की संभावना बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट है कि जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होते हैं, उन स्पर्म की संख्या क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। स्पर्म की संख्या क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होगी तभी निषेचन की संभावना बढ़ेगी। कि नर मनुष्य में एक बार जो मैथुन करता है ना, तो उसमें 40 से 60 करोड़ शुक्राणु बाहर रिलीज करता है, ठीक है। अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि अधिक संख्या में क्या बने, शुक्राणु अंडाणु को घेर सके। ज़्यादा शुक्राणु होंगे और अंडाणु का आकार होगा तो उस कंडीशन में शुक्राणु क्या करेंगे, अंडाणु को घेरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। देन क्या होगा, प्राणियों को बाह्य निषेचन की क्रिया को त्याग कर कौन से निषेचन की क्रिया अपनानी चाहिए, अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन की क्रिया अपनानी चाहिए। क्यों अपनानी चाहिए, क्योंकि बाह्य निषेचन में प्राणियों को खतरा रहता है कि कोई भी दूसरा जंतु उनको नष्ट नहीं कर दे, उनका कोई भक्षण नहीं कर दे, इसलिए आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन की बजाय आंतरिक निषेचन को अपनाना चाहिए। क्योंकि आंतरिक निषेचन में क्या होगा, शुक्राणु जो भी भ्रूण का विकास होगा वो माता के शरीर के अंदर होगा, जीव का जो विकास होगा वो माता के शरीर के अंदर होगा, इसलिए वहाँ पर पूरी तरह से वो सुरक्षा रहेगा। इस वजह से बाह्य निषेचन को त्याग कर आंतरिक निषेचन को अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट स्टार्ट होता है कि किस प्रकार से भ्रूण का डेवलपमेंट होता है,
किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अभी कंप्लीट डायग्राम नहीं है, आगे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आगे स्टार्ट होगा डायग्राम। पहले जो बनाया उसको समझ लेते हैं। पहले जायगोट बनेगा, इस जायगोट में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा अर्थात विदलन होगा। विदलन होगा मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ बनेगी, आठ से सोलह बनेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे कोशिकाओं का समूह बनता जाएगा। तो जो कोशिकाएं यहाँ बनती है, जैसे वन एक जो युग्मनज है, ये सिंगल सेल्ड है, एक कोशिकीय है। इस युग्मनज में प्रथम क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, प्रथम विदलन हो रहा है। तो उसके फलस्वरूप दो कोशिकीय संरचना बनती है, दो सेल्ड स्टेज बनती है। जो दो कोशिकाएं बनती है उनको कोरखंड बोला जाता है, मतलब ब्लास्टोमियर बोला जाता है। फिर इनमें क्या होता है, विदलन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। दो दो से चार ब्लास्टोमियर बनेंगे, चार से आठ ब्लास्टोमियर बनेंगे और आठ से सोलह ब्लास्टोमियर बनेंगे। तो आप जो एनसीईआरटी बुक दे रखा है ना, उसमें क्या कह रखा है, आठ से सोलह सेल्ड, आठ से सोलह ब्लास्टोमियर युक्त जो संरचना रहेगी उसको अपन मोरूला कहा जा सकता है। वो आठ सेल्ड वाले में भी आप मोरूला लिख सकते हो और सोलह सेल्ड में भी आप मोरूला लिख सकते हो। जो टॉस गेंद के समान संरचना है, आठ से सोलह को सोलह ब्लास्टोमियर युक्त संरचना, आठ से सोलह ब्लास्टोमियर युक्त जो संरचना होगी उसको अपन क्या बोला जाएगा, मोरूला। देन 16 से 32 या 32 से 64 आगे भी जो कोशिकाओं का समूह रहता है वो कोशिका फिर ब्लास्टो क्या सिर कहलाती है, ब्लास्टूला कहलाती है। तो यहां तक आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो 16 सेल्ड स्टेज है, इस 16 सेल्ड स्टेज में निरंतर विदलन होगा। क्या होगा, निरंतर विदलन होगा और उसके बाद उस पर ब्लास्टोडर्म का निर्माण होगा और निषेचन के तीन दिन पश्चात क्या होगा, इस प्रकार की संरचना बनेगी। निषेचन के तीन दिन पश्चात इस प्रकार की संरचना बनेगी। फिर इस कोरक पुटी का क्या हो जाएगा, बाद में ब्लास्टोमियर का जैसे संरचना बनेगी, इसके बाद इसका क्या बनेगा, एक इम्प्लांटेशन होगा, एक भ्रूण का क्या होगा, जो भ्रूण बनेगा, जो ब्लास्टोमियर बनेगा, जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जा पकर के चिपकेगा, अब एक यूटेरस में जाकर के चिपकेगा। जब ब्लास्टोमियर यूटेरस में जाकर के चिपकता है तो उसको अपन बोला जाता है गर्भ आरोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे मोरूला बन जाएगा, आठ से सोलह कोशिकीय अवस्था में मोरूला बनने के बाद उससे ब्लास्टूला का संरचना बनेगी। ब्लास्टूला जो भी होगी 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाओं का समूह रहेगा। क्या रहेगा, ब्लास्टूला 32 से 64 कोशिकाओं का समूह रहेगा, 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाओं का समूह रहेगा। और इसमें इस प्रकार से कोशिका जो कोशिकाओं का एक समूह में व्यवस्थित है, गेंद की लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसमें से क्या होगा, कुछ कोशिकाएँ बाहर की ओर एक परत का निर्माण करेगी जो कि ट्रोपोब्लास्ट रहेगी। जो अंदर की ओर कोशिकाएं थी, वो अंदर की ओर कोशिकाएं थी, वो एक साइड पर अटैच हो जाएगी। साइड पर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनर सेल मास कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास जब जब ये ब्लास्टूला या ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय पर चिपकता है तो वहाँ जा कर के चिपकने के बाद ये इनर सेल मास में ही क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। इनर सेल मास में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, जिससे क्या होगा, इस इनर सेल मास के द्वारा ही फिर आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, आगे जो भ्रूण का विकास होगा, नए जीव का विकास होगा, वो इनर सेल मास के द्वारा ही होगा। तो बाहर की ओर जो परत है वो तो एक जोना पेलुसिडाई है, जोना पेलुसिडाई के जो बाहर कोशिकाओं का जो परत बना उसको बोला ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोब्लास्ट है, पोषक कोरक कोशिकाएं, पोषक कोरक कोशिकाएं जो जो गेंद लाइक स्ट्रक्चर थी उनमें जो कोशिकाएं एक ऊपर कोशिकाओं का समूह बना लिया, वो क्या, इनर सेल मास बन गया। देन क्या होगा, एक इसके अंदर एक खोखली गुहा नुमा संरचना पाई जाती है, एक खोखली गुहा समान संरचना पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। उसके बाद होगा निषेचन, जैसे हो जाएगा तो निषेचन के छः दिन पश्चात क्या होगा, कोरक पुटी जो होती ना, जो ब्लास्टोसिस्ट थी उसका गर्भ आरोपण होगा।
या आरोपण बोला जा सकता है, मतलब इसका इम्प्लांटेशन होगा जाकर, ये यूटेरस में जाकर के चिपकेगा। कहाँ जाकर चिपकेगा? यूटेरस में जाकर के चिपकेगा, और साथ साथ में यूटेरस में जाने के बाद इसमें क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन होगा। इसमें क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन होगा, कंदुकन की प्रोसेस होगा। गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? एक्टोडर्म एंडोडर्म का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोरक गुहा पाई जाएगी, साथ साथ में एक नई गुहा का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है उल्ब गुहा, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद क्या होगा? एंडोडर्म की कोशिकाओं में विभाजन होगा और आकृति में परिवर्तन होगा, जिससे एमनियोटिक कैविटी बन जाएगा, साथ साथ में एक्टोडर्म एंडोडर्म बन जाएगा। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, अभी तक दो जनन स्तरों का निर्माण हुआ है, तो उसके बाद इसमें तीन जनन स्तर बन जाएंगे जिसे बोला जाता है एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म। त्रिडर्म बन जाएंगे, एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म। त्रिडर्म का निर्माण हो जाएगा। कितने डर्म का हो जाएगा? त्रिडर्म का निर्माण हो जाएगा। आद्यात्र आर्केंट्रोन कैविटी बन जाएगी, कोरक छिद्र बन जाएगा और तंत्रिका रज्जु का निर्माण हो जाएगा भ्रूण में, और देन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होगा। क्या होगा? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होगा। जो भ्रूण है उस भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाएगा। इस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का अब क्या होगा? इसके बाद अपन नया डायग्राम बनाएंगे, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां किस प्रकार से बनती है। देन लास्ट में क्या होगा? तीन जनन स्तर बन जाएंगे, देन आद्यात्र गुहा बन जाएगी, कोरक छिद्र बन जाएगा, तंत्रिका रज्जु का निर्माण बन जाएगा और अतिरिक्त भ्रूणीय। यहाँ अपन ने केवल अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का डायग्राम बनाया गया है। सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जा रही है उसको बोला जाए कोरियोन, फिर उसके बाहर जो एम्ब्रियो को घेरी हुई है वो कौन सी? एमनियोन। देन योग से एक यहाँ पर रेमनेंट्स, मतलब लास्ट में एक अपासी बोल सकते हो, रेमनेंट मतलब एक ट्यूबर, एक ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। एंड लास्ट में एक एलेंटोइस मेम्ब्रेन होती है, वो नष्ट यहाँ पर क्या हो जाती है? जो एलेंटोइस मेम्ब्रेन होती है वो मनुष्य में नॉन फंक्शनल होती है, वो यहाँ पर बनती नहीं। ऐसे जो भी और जंतु होंगे वहाँ पर एलेंटोइस झिल्लियों का निर्माण होंगे। पक्षियों में एलेंटोइस झिल्ली एक मूत्राशय का निर्माण करने में सहायता करती है, और यहाँ पर प्लेसेंटा है, साथ साथ में अम्बेलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया और देन में एम्ब्रियो बन गया। इस प्रकार से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उसका डायग्राम प्लस उसमें भ्रूण को दर्शाते हुए आ रहे हैं, इस डायग्राम को आप बना लेना, ठीक है? ओके, अब देखते हैं मनुष्य में निषेचन क्रिया, मनुष्य में निषेचन क्रिया फेलोपियन नलिका, मनुष्य में निषेचन क्रिया फेलोपियन नलिका या एम्फुला में होता है। एम्फुला या डायरेक्ट बोल सकते हैं फेलोपियन नलिका या इस्थमस एम्पुला के संधि स्थल पर, संधि स्थल पर होती है। जो फेलोपियन नलिका का भाग है इस्थमस और एम्पुला, वहां पर संपन्न होगी निषेचन क्रिया के द्वारा, और निषेचन क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज के बाहर इस युग्मनज के बाहर
जोना पेलुसीडा, जोना पेलुसीडा का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाएगा? जोना पेलुसीडा का आवरण पाया जाता है। और युग्मनज वह प्रथम कोशिका है, युग्मनज वह प्रथम कोशिका है, युग्मनज वह प्रथम कोशिका है जिसमें भ्रूण का, जिसमें भ्रूण का, जिसमें भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ होता है, भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ होता है और इसमें सबसे पहले होने वाले, और इसमें सबसे पहले, सबसे पहले होने वाले, और इसमें सबसे पहले होने वाले, पहले सबसे पहले पहले होने वाली विभाजन की क्रिया को, विभाजन की क्रिया को, और इसमें सबसे पहले होने वाली विभाजन की क्रिया को क्या बोला जाता है? विदलन कहते हैं। और यह विदलन वास्तव में, और यह विदलन, और यह विदलन वास्तव में, वास्तव में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। विदलन क्या है? एक तरह से एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें इंटरफेज अवस्था नहीं होती है, लेकिन इसमें इंटरफेज, लेकिन इसमें इंटरफेज अवस्था नहीं होती है। कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है? इसमें इंटरफेज अवस्था नहीं पाई जाती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। जो निषेचन की क्रिया होगी क्या होगा? मनुष्य में, मनुष्य में जो निषेचन क्रिया होगी वो फेलोपियन नलिका या इस्थमस एम्पुला के संधि स्थल पर होगी, और निषेचन क्रिया के द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, और इस युग्मनज के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे जोना पेलुसीडा बोला जाता है। युग्मनज वह प्रथम कोशिका है जिसमें भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ होगा, और इसमें सबसे पहले बनने, सबसे पहले होने वाली जो विभाजन की क्रिया होती है उसको विदलन कहा जाता है, और यह विदलन वास्तव में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें इंटरफेज अवस्था नहीं पाई जाती है। देन ये क्या होगा? यह विदलन फेलोपियन, यह विदलन, फेलोपियन, फेलोपियन नलिका में ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ प्रारंभ हो जाएगा? फेलोपियन नलिका में प्रारंभ हो जाएगा। और प्रथम तीन विदलन, और प्रथम प्रथम तीन विदलन
लंबवत व सेती स्थल पर होते हैं। लंबवत व क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर प्रथम तीन विदलन कहाँ होंगे? लंबवत व क्षैतिज तल पर होंगे और इसके फलस्वरूप, और इसके फलस्वरूप, और इसके फलस्वरूप आठ कोशिकाएं बनती है, और इसके फलस्वरूप आठ कोशिकाएं बनती है, आठ कोशिकाएं बनती है, और इन कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर कहते हैं। और तृतीय विदलन के पश्चात, और तृतीय विदलन के पश्चात, तृतीय विदलन के पश्चात बन होने वाले समस्त विदलन, तृतीय विदलन के पश्चात होने वाले, होने वाले तृतीय विदलन के पश्चात होने वाले समस्त विदलन, समस्त विदलन किसी भी तल पर, किसी भी तल पर, किसी भी तल पर हो जाते हैं। क्या हो गए? किसी भी तल पर हो जाते हैं। और 16 कोशिकाएं बनती है, 16 कोशिकाएं बनती है, 16 कोशिकाएं बनती है, और ये 16 कोशिकाओं से बनी, 16 कोशिकाएं बनती है, और ये है, और यह है एक टॉस गेंद, टॉस गेंद के रूप में, टॉस गेंद के रूप में होता है, टॉस गेंद के रूप में होता है, जिसे, जिसे मोरूला या तूतक कहते हैं, जिसे मोरूला या तूतक कहते हैं। इसके पश्चात भी, इसके पश्चात भी निरंतर विदलन होता है, या विदलन निरंतर चलता रहता है, डायरेक्टिव इसे कह सकते हैं। इसके पश्चात भी विदलन, विदलन निरंतर होता है, इसके पश्चात भी विदलन निरंतर होता है, और निरंतर हो, और क्या होगा? और जब, और जब 32 कोशिकाओं की, और जब 32 कोशिकाओं की खोखली, खोखली गेंद समान, खोखली गेंद समान संरचना बनती है, खोखली गेंद समान संरचना बनती है, जिसे, जिसे ब्लास्टुला कहा जाता है,
जिसे क्या कहा जाएगा? ब्लास्टुला कहते हैं। मनुष्य में इस कोरक अवस्था को, मनुष्य में इस कोरक अवस्था को, मनुष्य में इस कोरक अवस्था को, कोरक अवस्था को कोरकपुटी, इस कोरक अवस्था को क्या बोला जाता है? कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस ब्लास्टोसिस्ट के, और इस ब्लास्टोसिस्ट के, इस ब्लास्टोसिस्ट के परिधि पर, ब्लास्टोसिस्ट के परिधि पर चपटी कोशिकाओं की, चपटी कोशिकाओं की, चपटी कोशिकाओं की परत पाई जाती है, चपटी कोशिकाओं की परत पाई जाती है जिसे, जिसे ट्रोफोब्लास्ट, जिसे ट्रोफोब्लास्ट या ब्लास्टोडर्म, या इसको बोला जाता पोस्टचर्म, पोस्टचर्म कहते हैं। क्या बोला जाता है? पोस्टचर्म कहते हैं। इसके अलावा, और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अग्रश्री पर, अग्रश्री पर, अग्रश्री पर अर्थात सक्रिय ध्रुव पर, अर्थात सक्रिय ध्रुव पर, सक्रिय ध्रुव पर कोशिकाओं का, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे, जिसे इनर सेल मास, जिसे इनर सेल मास या अंतर, अंतर कोशिकीय समूह, अंतर कोशिकीय समूह कहते हैं। क्या बोला जाता है? अंतर कोशिकीय समूह कहते हैं। इनर सेल मास, इनर सेल मास व ट्रोफो ब्लास्ट के मध्य, इनर सेल मास व ट्रोफोब्लास्ट के मध्य, के मध्य एक कोरक गुहा पाई जाती है, एक कोरक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जिससे भविष्य में,
जिससे भविष्य में देहगुहा का निर्माण होता है। देहगुहा का या सिलोम का निर्माण होता है। देहगुहा का या सिलोम का निर्माण होता है। और ब्लास्टोसिस्ट के बनने में लगभग 6 दिन का समय लग जाता है या 6 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 6 दिन का समय लगता है। इसलिए निषेचन के 6 दिन पश्चात ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर पोषकोरक स्तर पर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? अटैच हो जाता है। जिसे क्या बोलेंगे भैया? अंतरोपण कहा जाता है। अटैच हो जाता है जिसे आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैचमेंट को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद अंतररोपण होगा, अंदर की ओर धसेगा, एम्बेडेड फॉर्म में होगा। और इनर सेल मास भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। इनर जो सेल मास था वो किसके रूप में विभेदित होगा? भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। किसके रूप में विभेदित होगा? भ्रूण के रूप में विभेदित होगा। और संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं
तेजी से विभाजित होकर गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर कोरक पुटी को या ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेती है इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में अंतःस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतःस्थापित हो जाती है। इसे अंतरोपण कहते हैं। वहां बाहर की ओर था, यहां अंदर की ओर हो गया, फिर अंतरोपण कहते हैं। और बाद में यह सहगर्भता प्रेगनेंसी का रूप धारण करती है। क्या धारण करती है? प्रेगनेंसी का रूप धारण करती है। और इस कोरक पुटी को जोना पेलुसीडा आवरण अवांछित स्थान पर जुड़ने से रोकता है। अवांछित स्थान पर जुड़ने से क्या करेगा? रोकता है।